अपराजिता जी तैयारी के साथ आई और मुस्कुरा बहुत रही हैं। अपराजिता जी, पार्टी में आपके भगदड़ मची हुई है, आप मुस्कुरा रही हैं, बताइए। 40 से 50 लोग छोड़ गए, 7-8 नाम दिखाए हैं मैंने तो। मुस्कुरा रही हूँ इसलिए कि निश्चित तौर पर हम जीतने वाले हैं। आप जरा आंकड़े देखिए और हमारा इस 5 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड देखिए। 2013 में हमें 40 सीटें मिली थी, 19.9% हमारा वोट शेयर था और यह बढ़कर 104 सीटें हो गई, 36.21 वोट शेयर। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, 122 सीटों से ये 80 सीटों पर चले आए और जेडीएस 40 सीटों से 37 सीटों पर चले आए। मैं कह रही हूं कि इनका पतन धीरे धीरे होता जा रहा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम बड़े योजनाबद्ध तरीके से बहुत परिश्रम कर रहे हैं, जमीन पर परिश्रम दिख रहा है। और जो लोग जा रहे हैं हमें छोड़कर, निश्चित तौर पर कर्नाटक की जनता भी उन्हें देख रही है। आपने अभी अभी श्री नड्डा जी को कोट किया, श्री नड्डा जी ने सही कहा कि हम विचारधारा के प्रति आकर्षित होकर किसी भी दल में आते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित पार्टी है। और इसे छोड़कर, इस विचारधारा को गुडबाय कहकर अगर कोई व्यक्ति निकलता है तो निश्चित तौर पर ना घर का है ना घाट का, इससे ज्यादा मैं कुछ ना कहना चाहूंगी, ना घर का है ना घाट का। और मुझे लगता है कर्नाटक के लोग शिक्षित हैं, परिपक्व हैं और सही निश्चित तौर पर निर्णय लेंगे। और जहां तक जैसे भी निजाम फौजदार कह रहे थे, वो कह रहे थे माहौल देखिए, माहौल इससे पता लगता है। संजय जी भी ये कह रहे थे कि देखिए मूड जो है वो इन सारे नेताओं को भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मूड है, इसीलिए उधर जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये मूड वोड इलेक्शन में कुछ नहीं होता है। मैं भी सांसद हूं, निर्वाचन में थी, निर्वाचन के समय 3 दिन पहले ऐसा मूड लगेगा कि एक व्यक्ति जीत रहा है, लेकिन जब परिणाम निकलेगा तो कुछ और परिणाम होगा। मैं आपको कह दूं, त्रिपुरा और नागालैंड में भी जब चुनाव हो रहे थे, मुझे याद है ऐसा लग रहा था नागालैंड में कि हम हार रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन 2 बार लगातार हम वहां आए। गोवा में हम 3 बार आए, उत्तराखंड में हम 2 बार आए और उत्तर प्रदेश में ये सारे लोग लग गए, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, सारे लोग एक साथ हो गए, लेकिन अल्टीमेटली हमारी 2 बार वहां विजय हुई और इस बार भी हम पता करने वाले हैं। देखिए, 1985 से लेकर अभी तक ऐसा सिचुएशन रहा, ऐसी परिस्थिति रही है कि कोई भी राजनीतिक दल लगातार 2 बार सरकार नहीं बनाता है, लेकिन इस बार इस बात को हम झुठलाना चाहते हैं और निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी क्योंकि हम लोगों ने लोगों के लिए काम किया। और तो राहुल गांधी कह रहे हैं 40% कमीशन वाली सरकार 40 सीटों पर अटकेगी इस बार। ये मुझे बताएं आप, कांग्रेस ये बात कह रही है, राहुल गांधी जी ऐसी बात कर रहे हैं? आधारहीन, भित्तिहीन बातचीत। अर्कावती लेआउट घोटाला किसके समय में हुआ था? भारती घोटाला, भूमि उपयोग परिवर्तन घोटाला, शिक्षक भारती घोटाला, ये सारे घोटाले इनके समय में हुए थे। ये करप्शन कमीशन क्राइम वाली पार्टी है और मुझे नहीं लगता है कि ये सब बातें इनको शोभा देती है, नहीं तो 2013 से 2018 का ग्राफ नीचे नहीं जाता। पर 18 के बाद तो अब तो 5 साल हो गए ना, आप 18 का जो आंकड़ा बता रही हैं वो तो आप जीते थे, मान लिया, चलिए उसमें आपकी पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी और सरकार बन गई। लेकिन अब राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं, अपराजिता जी वो भी तो देखिए, मुफ्त के वादे, फ्री अलाउंस, फ्री बिजली, ये वादे हैं, वादों का क्या। जहां जहां इन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की, राजस्थान में भी इन्होंने बहुत वादे किए थे, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने वादे किए थे, छत्तीसगढ़ में इन्होंने वादे किए थे, जहां इनकी सरकार बनी, क्या हुआ उन वादों का? और जहां तक हमारा सवाल है, देखिए, हम हर एक वर्ग के लोगों के साथ खड़े हैं और मुसलमानों के प्रति होती हुई तुष्टिकरण की नीति का भरपूर विरोध करते हैं। ओके, निजाम फौजदार आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए निजाम भाई, बोलिए। जी, शुरू से गिनवा देता हूँ मैडम को, यहाँ पे कौन से स्कैम हुए बेसिक लेवल पे। बेलगावी में बच्चे अंडे खाते हैं ना मिड डे मील में, उसके 1-1 रुपये का लेकर उन्होंने 2 करोड़ रुपए खा लिए। देवनहली में हार्डवेयर पार्क बनाना चाह रहे थे, उसमें से नोटिफिकेशन का पैसा खा गए। गौशाला जो प्रभु चौहान है बिदर में, वहां पे गौशाला बनाने का जो स्कीम बनाया था उसमें करोड़ों रुपए खा गए। 50 करोड़ का टूल किट स्कैम, सीबीआई स्कैम की था, उसमें खा गए पैसे। पीएसआई स्कैम,
वहां पे तो करोड़ों रुपए पुलिस वालों को अपॉइंटमेंट देते देते इन्होंने इतनी तिजोरी भर ली है, शायद अगले 10 पीढ़ी तक बैठकर खा सकते हैं। बिटकॉइन स्कैम, 210 करोड़ का एग्रीकल्चरल स्कैम हुआ था। माइनिंग स्कैम फिर से दलाली में, यहाँ पे इनके जनार्दन रेड्डी ब्रदर्स जो है, इनके एडी ब्रदर्स, इन्होंने इतने पैसे खाए हैं। ये पार्टी हवा में मनाते थे हेलीकॉप्टर चला चलाकर, एसी पार्टी है ये। इसके साथ में और वो गिनाना चाहता हूँ, एक सेकंड नहीं निजाम भाई रुकिए ना, एक सेकंड देखिए, लेकिन ये बीजेपी ना इसे भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय मुद्दा बना रही है। आप जो ये कह रहे हैं कर्नाटक, आप कर्नाटक के जो इनके स्कैम्स बता रहे हैं, आपके हिसाब से ये तो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा बने। बीजेपी कहती है हम चाहते हैं भ्रष्टाचार मुद्दा बने, फिर वो देश भर में जो विपक्षी दलों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं उनके नेताओं के खिलाफ, वो भी आ जाएंगे बहस। किसके नेताओं के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं? जो कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस एनसीपी जेडीएस जेडीयू कोई भी पार्टी हो, जब इनकी पार्टी में चला जाता है तो सर्फ एक्सेल लगाकर आता है और साफ हो जाता है, तो वहां पे भ्रष्टाचार खत्म। शशिकला जोड़े से पूछिए कि जब वो मिड डे मील के बच्चों के अंडों में से पैसे चुरा कर खा रही थी तो उसका कौन सा मोरालिटी है? अपराजिता जी जवाब दे रही है, अपराजिता जी बोलिए उसके बाद आगे जाऊंगा। देखिए ऐसा है कि फेरिश्त हमारी भी बड़ी लंबी है। सीधा रमैया सरकार के समय में कह दूं 1700 लोगों को विमुक्त कर दिया, पीएफआई केसेस जिसके अगेंस्ट लगे हुए थे उन्हें विमुक्त कर दिया, उन्हें आप सच साबित कर दिया, उन्हें अच्छा साबित कर दिया। ये किस तरह का प्रशासन है, किस तरह का शासन है? और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम ये बताइए, रिपोर्ट कार्ड लेकर लोगों के पास जाते हैं, करीबन 57 लाख किसानों को साल में हम 10,000 रुपए देते हैं, 6,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से, और 4,000 रुपए कर्नाटक की बीजेपी सरकार देती आ रही है किसानों को, हर एक वर्ग के लिए। अगर आप मुझे पूछे तो हमने एक सेकंड दोनों को स्क्रीन पर ही रखिएगा, एक मिनट अपराजिता जी। लेकिन निजाम फौजदार कह रहे हैं जो आप हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मुस्लिम रिजर्वेशन वाला मुद्दा बनाकर, इससे साबित हो गया है कि आप कमजोर विकेट पर हैं। अब आप कम्युनलाइज कर रहे हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। देखिए मैं कह दूं, हम किसी भी तरह के तुष्टिकरण की नीति के खिलाफ है, हिंदू मुसलमान ना करे, हम तुष्टिकरण की नीति के खिलाफ है। मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन क्यों हो, बात बस यही पर है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके इस फैसले पर सवाल उठा दिए, वो कहते हैं कि ये तो प्राइमा फेसाई, तो ये गलत लगता है मुस्लिम कोटा खत्म करने का फैसला। देखिए ऐसा है कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, फैसले आने दीजिए, देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन हम विशेष सुविधाओं को किसी एक वर्ग को देना नहीं चाहते हैं, सिंपल सी बात है। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ओके निजाम फौजदार बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। निजाम फौजदार बोलिए। मानक भाई यहाँ पे कर्नाटक में मुद्दा बहुत साफ है, ये चाह रहे थे कि ये इलेक्शन कम्युनल लाइंस पे हो, लेकिन इस बार कर्नाटक में कम्युनल लाइंस पे इलेक्शन होने वाला नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़े मुद्दे हैं। बैंगलोर को इन्होंने आईटी सिटी से आईटी लेक सिटी बना दिया है, थोड़ी सी बौछार भी हो जाए ना, लोग वोट लेकर निकलते ओके ऑल राइट। अभी बहुत टाइम है और कर्नाटक के मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है। आज वापस मुद्दे पर आ रहा हूं, विजय ग्रोवर और गुलाम हाफिज सरवर अभी बोले नहीं है। गुलाम हाफिज सरवर साहब एक सेकंड में आ रहा हूं, पहले विजय